राजस्थान के बांसवाड़ा में तेज धार पानी में बहे एसडीएम का शव मिल गया है। सरकारी गाड़ी में चल रहे एसडीएम रामेश्वर दयाल तेज पानी में बह गए थे, उनकी गाड़ी बह गई थी और अब ये खबर आ रही है कि उनका शव मिला है। बांसवाड़ा के एसडीएम का शव मिला है। जबरदस्त बारिश की वजह से हर जगह नदियां उफान पर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, ये बुरी खबर आ रही है, एसडीएम की तलाश हो रही थी लेकिन अब उनका शव मिला है। जी नेहा, कई घंटों से एसडीएम रामेश्वर दयाल मीणा की जो बॉडी है उसको ढूंढने का या उनकी तलाश का सर्च चल रहा था। अब से तकरीबन कुछ देर पहले, आधा पौना घंटा पहले उनका शव मिला है उस जगह पे जहां वो बहे थे, तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि उनका जो सरकारी वाहन चालक था उसने मना किया था कि पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन जबरन खुद एसडीएम ने उनको पुरजोर शब्दों में कहा कि उन्हें गाड़ी ले जानी पड़ेगी और इसी की वजह से ये हादसा पेश आया। ये इलाका वो है जो पहाड़ी और मैदानी इलाका दोनों पर रहता है और यहाँ पर काफी तेज पानी बहता है उस वक्त जब बरसात थोड़ी बहुत भी होती है, और ऐसे में बरसाती नालों का जो एक अपना अलग रूप नदी के रूप में दिखता है और उसी हादसे का शिकार ये एसडीएम भी हुए। नेहा, तो मनीष ये जानकारी देते हुए कि बांसवाड़ा से बुरी खबर आई है, एसडीएम जिनका पता नहीं लग पा रहा था अब उनका शव मिला है। हालांकि ड्राइवर को तेज बहाव जो पानी था उससे बचा लिया था लोगों ने, लेकिन एसडीएम इतने खुश नसीब नहीं रहे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।